अपना मीत अपना मीत स्वामी गाए अपना मीत स्वामी गाए मीत स्वामी गाए अपना मीत स्वामी गाए आसना अवर कहूं के आसना अब कहो की सुख दाता प्रभु ध्याय सुखदाता प्रभु ध्याय अपना मीत स्वामी गाए अपना मीत स्वामी गाए सुख मंगल कल्याण जिस कार सुख मंगल कल्याण जिस कार किस ही शरणी पाई त्याग मनुख जे सेवा
से त्याग मनुख जे सेवा तो लाज लोन होए जाइए तो लाज लोन होए जाइए नीत नीत स्वामी अपना मीत स्वामी गाइए एक ओट पकड़ी ठाकुर की स्वामी गाइए
अमित स्वामी गाया। अपना मीत स्वामी गाया, आसना अवर काहू की जय। आसना अवर काहू की जय। अपना मीत स्वामी गाया, तुदनु छोड़ तुदनु छोड़ जाइए प्रभु के दर। आन ना बिया, आन तो भाव और ना बिया कोई दूजा। आन ना बिया तेरी समसर, तेरे वर्गा और कोई नहीं। जैसा तू आन ना बिया तेरी समसर, जैसा तू तैसा तू ही आन ना बिया तेरी समसर। अपना मीत स्वामी गाया, आसना आसना अमर कहूं की जय। मनुख की टेक बिरथि सब जान, मनुख की टेक बिरथि सब जान। देवन को एक भगवान, और कोई मनुख तो किते रहा, किसी आम मनुख दी आस तां बिरथी हो सकती है। गुरु ने तो इथों तक आख दिता, जनन पिता है उन्दे ते भी आस ना रखा, जिंदी जेब विच मैं आप ही हाथ पा लेना, अपना हक समझना। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरया। आस ना अवर काहू की जय। कोई न किसकी धरया, सिर सिर रिजक सबाहे ठाकुर। अपना मीत स्वामी गाया, आसना अवर कहू की जय। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, अपना मीत स्वामी गाया। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन
पावक अमूला दिन रात स्वास ले जाना ते पवन जिंदे विच्चों स्वास लेना ओ पवन जेड़ी तेरी जीवन दा सहारा चलान दा एक साधन है कदी सोचिए है तू आप बनाई है आ पक्का भी पवन दिंदा है पर मत समझी आप बनाउंदा है बिल्कुल नहीं जिथे ऑक्सीजन खत्म हो जाए ना उथे पक्का भी नहीं चलता ये तो सिर्फ ओंदी पैदा कीती हुई पवन नू तेरे तक भेजदा है बस भेजदा है ते भेजन वाला तो कोई डाकिया ही हो सकता है पोस्टमैन ही हो सकता वो चिट्ठी लिखता नहीं ना चिट्ठी बनाउंदा है वो सिर्फ लिया के तेरे तक पहुंचाउंदा है उनका जवाब तू कदी उस डाकिए नू पोस्टमैन नू देना है चिट्ठी तेनू पोस्टमैन फड़ा रहा है जवाब तू चिट्ठी लिखण वाले नू भेज रहा है पर तेनू ख्याल है ना डाकिया सिर्फ पहुंचाता है मैनू चिट्ठी तो किसी होर ने भेजी है वो तेनू याद आ जाता है पर केड़ी अजीब गल है इस पखे नू दे राही जेड़ी ए अमुल पवन तेनू भेजी गई है तेनू वो भेजन वाला याद नहीं चिट्ठी भेजन वाला याद आ जाता है पर छोटिया छोटिया गल्लां विच समझन वाला है रात द सब्जेक्ट नाल जुड़ना चाहना गुरु ने आखिया जिन्ना ते आस लाई बैठा है वो आस झूठी है रात वाला शब्द सी प्रीतम जान लियो वन मन माहे अपने सुख ही स्यों सब जग सब जग भांदेओ को कहूं को नाही सुख मयान बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस गहरे विपत परी सब ही संग साडित को ना आवत नेरे ते मैं सुनू बेनती कीती सी इंदा मतलब ए नहीं कि गुरु निराश कर रहा है निराश कर रहा है निराशता गुरु कोल नहीं ओ तो कहिंदा मैं तेनू सवेरे दूजा पाठ दसंगा जे ओ मीत नहीं उन्हां दा सहारा झूठा है गलत है तां कोई असल सहारा भी है पोस्टमैन तक खलो जान वाले ओ चिट्ठी भेजन वाले नू वेख जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन सुखदाई पवन पावक अमूला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना
अपना मीत स्वामी गाइए। मसला मित्र नु पछाणन दा है। गुरु ने बाणी विच आके कहन लगे, मित्र घनेरे कर थकी। लोड़ रात भी लवसन के लोड़ है मित्रां दी। मनुख हर रोज हर पल मित्रां नु याद करदा है। लोड़ है किसे दूजे देश भी जावे ते कहंदा है उत्थे कुछ मित्र बन जान, पर वो पलिया मैनू इस गल ते इतराज नहीं, तेरी सोच खूबसूरत है। मित्र बना उन्हें भी चाहिए, मित्र होने चाहिए, सज्जन होने चाहिए। बल्कि गुरु ने तो इथों तक आख दिता, मैं चाहना सारे ही मेरे मित्र ने, दुश्मन है ही कोई नहीं। सब को मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन, कोई दुश्मन ना हो। बल्कि रब दी एक निशानी है, रब दी एक परिभाषा जो मेरे मालिक दी गुरु ने कीती नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर उत्थे आख्या वो सारियां दा सज्जन है, दुश्मन नहीं। गुरु ने बाणी विच आख्या, सतगुरु कहन लगे वो सबना दा साजन है, सारियां दा मित्र है। क्योंकि किसे दा दिल दुखांदा नहीं, किसे दा दिल दुखांदा नहीं, सारियां दी प्रतिपालना करी जांदा है। सब को मात पिता प्रतिपालक, जीव प्राण सुख सागर रहे प्रतिपाले, नित सार संभाले। एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, मूर्ख समझदा, मैं नहीं समझदा, एक गल वक्री है। मैनू सिर्फ डाकिए ही याद आता है, चिट्ठी लिखने वाला याद नहीं आता। मैं तो हैरान होना जो रोजाना जीवन विच भी देखना, रात भी एक ख्याल आया सी जितों कि मनुख जिन्ना दी आस लाई बैठा है वो कदी सोचे वो तेरे मित्र नहीं, तेरे काम दे मित्र ने। तेरा आत्म फसन पैरोवे गुण सार संभाले, जे वो तेरे विछोड़े तो बाद रो रहे ने ते मत समझे तेरे विछोड़े विच रो रहे ने, उन्हां दी काम रुक जाणगे। जिहड़े कम्मा करके वो तेरे नाल प्यार करते सन, हुण उस तो बाद कौन करेगा। ते रात लफज सन आल्टरनेटिव ढूंढते, बदल ढूंढते। लो मैं इत्थे थोड़ा जिहा रोजाना जीवन का हालात तुहाडे नाल सांझा करना चाहना। कई कम असी जीवन विच बिना विचारे करी जाने आ, पर पता नहीं उनका मतलब की है। जिन्हां ने बनाए सन ना वो नियम, वो भी बड़ा सोच समझ के बनाया। साढ़े विच एक नियम है, जदों कोई जी विछोड़ा दे जाए ना, साढ़े विच एक नियम से असी सोग दे कुछ दिन निश्चित कर लै सन, कोई 10 दिन कोई 13 दिन निश्चित। उन्हां दिनां अंदर घर विच पूरा पैंदा सी। लो मैं रोजाना जीवन की एक एग्जाम्पल तुहाडे सामने स्पष्ट करना चाहना, क्योंकि सुभा गल विचार हुंदा। उन्हां दिनां अंदर घर विच पूरा पैंदा सी, सोग दिन पूरा विछा दिंदे सन। लोग अफसोस करन सोग करन आउंदे सन ते कहिंदे सन उन्हां दे घर सोग दे दिहाड़े ने। उन्हां दिनां अंदर कोई खुशी दा काम, उन्हां कोई खुशी दा मैसेज नहीं सन हुंदा। लोग सोग मनाउन
ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। 10 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਤੈਸਾ ਅੱਖ ਤੈਸਾ ਉਹ ਸੋਗ, ਦੋ ਲਫਜ਼ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਕੰਗ ਤਾਂ ਸੋਗੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਲਫਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਸੋਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋ ਮੈਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਖਾ ਸੋਗੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋਗ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੋਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਕੌਣ ਉਡੀਕੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਸੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ, ਭੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਸੋਗ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਖਤਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਗੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਰਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਭੂਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਦਾ ਭੂਰਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਮ ਕੀ ਸੀ? ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਕਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆ ਕਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ, ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਸੋਗ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਲੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
दुख तो इस गल दी सी भी जिम्मेवारी जिन्हें हुण तक संभाली सी वह चला गया सोग इस गल दा सी जदों जिम्मेवारी दूजे ने सौंप दिती लो हुण इह संभालेगा बदल आ गया हुण इह संभालेगा हुण कहदा सोग उस वेले पूरा चुक दिता उस तो बाद पूरे ते कोई नहीं सी बहिंदा उस तो बाद अफसोस करने वास्ते पूरे ते कोई नहीं सी बहिंदा पूरा चुक दिंदे सन क्यों क्योंकि जिम्मेवार आ गया तो जिम्मेवारी की सी रात भी एक लफज आए सन अगले मुए अगले मुए से पाछे परे जो उबरे जड़े नवे आए उन्होंने जिम्मेवारी संभाल ली सो बंद लक खरे उन्होंने लक बन लिया उ जड़ा पहला काम कर रहा सी हुण दूजे ने संभाल लिया बल्कि निरा संभालिया ही नहीं असी लायक पुत्र उन्हों समझिया जेड़ा पहले नालों ज्यादा काम करे जो धंधे में ओए लपटाए गुरबाणी है जो धंधे में ओए लपटाए उनते दुगन जड़ी समाए उनके तो दुगना काम करे जिंदा काम होना शुरू हो गया हुण कहदा सो पूरा चुक दियो काम करन वाला कोई आ गया मनुख नू काम करन वाला बदल चाहिदा बस इतों साढ़े रोजाना जिंदगी दे जेड़े बनाए हुए प्रोग्राम ने उन्हां कम्मां विच्चों सानू स्पष्ट हो जांदा है कि जिस दिन दस्तार दे दित्ती कोई कम करन वाला बदल पैदा हो गया उह जिम्मेवारी जेड़ी पहला संभालदा सी उह अगले नू संभाल दित्ती बस उह दा दिन खत्म हो गया विछोड़ा पिछोड़े का सोग नहीं सोग तो असी कम कर जिम्मेवारी हूँ बदल दिती हूँ सोग कोई नहीं अज सोग खत्म हो गया तो गुरु ये याद कराते ने जे कम का ही सोग है मान लो कम का ही सोग है तो फिर वो कम तो किसी एक थावें बैठ के कुछ महीने कुछ वरे कुछ साल कोई मनुख करेगा फिर मैं तेनू एक योजा मित्र देना जिंदा कदी सोग हो गई ना लो इत गुरु लिया चाहते हैं फिर कहते हैं जे जे देखो तै हजूर जे जे देखो तै हजूर दूर कतो ना जाए रव रहा सर्वत्र मैं मन सदा ध्याए ईत उत नहीं बिछड़े हो पढ़िया जिन्हां दी आस लाई बैठा है वो सौ साल जीव लेगा आकर बिछड़ेगा उनका सोग होवेगा उन्दा तेनू बदल ढूंढना पवेगा पर एक ख्याल करी जे रब ते आस ला के उदो सुनू मित्र समझ के जड़ा हमेशा तेरे नाल रवे जिंदा कदी सोग हो ही ना जिंदा कदी पूरा पवे ही ना ते जे ओ आ जाए फिर तेरे बदल नहीं ढूंढना पेगा ना उन्दा कोई बदल है रब दी थां ते कोई दूजा रब नहीं बिठा सकेगा तू लो रब दा बदल कोई नहीं करण कारण प्रभ एक है करण कारण प्रभ एक है दूसरा नहीं कोई दूसरा नहीं कोई अपना मीत स्वामी गाइए आसना अवर कहूं की जय लो मैं तेनू निराश नहीं करना मित्र बदल रहा ताकि तू एक डाकिए दा मित्र न बने चिट्ठी भेजने वाले दा मित्र बने
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਢੂੰਡ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਢੂੰਡ ਲੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈਆਂ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਿੱਤਰ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਥੱਕੀ, ਮਿੱਤਰ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਥੱਕੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਈ। 7 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁੱਖ ਕਾਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅਪਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਲਫਸਣ ਇਹ ਵਿਦਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਜਾਸਿਓ ਨਿਉ ਲਗਾਇਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਉ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਿਹੋ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਪਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਢੂੰਡੀਏ। ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪੱਗ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਦਲ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ। ਆਖੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਦਲ ਢੂੰਡੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਗਾਇਆ ਆਸਨਾ
खबर कहूं के आसना अवर कहूं की जय सुख दाता प्रभु ध्याई अजीब गल है कोलो सुख ढूंढना है वो तेरे कोलो सुख ढूंढ रहे ने मंगत्यां दा मंगता बने फिरने ते कहंदे ने उस मालिक दा मंगता बन जिहड़ा तेरे कोलो सुख नहीं ढूंढदा तैनू सुख दिंदा ही दिंदा है वो तेरे कोलो मंगदा कुछ नहीं वो ता जो कुछ दिंदा है उनदा किराया उनदा बिल भी नहीं भेजदा कहंदे ने आसना अबरे कहूं की जय सुख दाता प्रभु ध्याई अपना मीत स्वामी गाया अपना मीत स्वामी गाया सुख मंगल कल्याण जिस घर जे इन्हां दे घर हुंदे ओह तेरे कोल क्यों ढूंढदे जिन्ना सुख मंगल खुशियां क्यों गुरु ने आख्या अबनासी खेम चाहे जे नानक जे हमेशा दा सुख चाहना है अबनासी खेम चाहे जे नानक फिर की कर सदा सिमर नारायण ते एहो गल आज दे शब्द विच कहन लगे पलिया सुख मंगल कल्याण जिस घर सुख मंगल कल्याण जिस घर किस ही सरनी पाई है किस ही सरनी पाई है त्याग मनुख जे सेवा जे उस मालिक नू छड़ के उस मित्र नू छड़ के जेड़ा कदी मरदा नहीं कदी सोग नहीं हुंदा उंदा बदल भी कोई नहीं जे उस मालिक नू छड़ के किसे मनुख दी सरनी पवेगा उंदी आस रखेगा तो लाज लोन हो जाए आ लफज बड़ा सम तो शर्म वाली गल है लाज लोन कहंदे ने शर्म मर जाना कहंदे ने मंगते तो मंगता बनना तो शर्म वाली गल है ना
लाज लौन हो जाए फिर तो तेरे वास्ते शर्म की गल है। तू उन्दे कोलों सुख ढूंढ रहा है, उन्दे सुख की आस लाई बैठा है जिहड़ा तेरे कोलों सुख ढूंढ रहा है। जिस दिन तू सुख देन जोगा ना होया उन्हें तैनू नहीं पूछना। कहन लगी तिसै त्याग मनुख जे सेवो तिसै त्याग मनुख जे सेवो तो लाज लोन हो जाइए। तो लाज लोन हो जाइए। लाज लोन हो जाइए। एक ओट पकड़ी ठाकर की लो ऐथे फैसला रात वाला आ गया। जे मैं एक गल समझ गया कि किसे मंगते दा मंगता बनना आस रखनी शर्म वाली गल है तो फिर मैं उस मालिक दा बन जाना पसंद करांगा जिहड़ा कदी मेरा खसम खत्म ही ना हो। एक ओट पकड़ी ठाकर की पर यह मत बोध मिलती कितों है। मसला आ है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी की लड़ी क्यों शुरू की थी? मसला यही सी कि गुरु समझा के रहा है। असी गुरु के दरबार विच आउंदे हां सानू पता लगे गुरु सानू समझा के रहा है। वो मत बोध यह वो समझा रही है भलिया मनुख की टेक बिरथी समझाना। एक ओट पकड़ी ठाकर की गुरमिल मत बुद्ध पाई है। एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला। अगे जाके कहंदे ने अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत कट कट देखिया। अगले पासे कहंदे ने ओ जिहड़ा हुण तक नहीं दिसिया डाकिया दिसदा सी ओ नहीं दिसिया। ओ कोई जिन्ने चिट्ठी भेजी उहने कोई दिसना थोड़ा है। कहंदे जिहड़ा दिसदा नहीं सी खोजत खोजत घट घट देखिया ओ घट घट के किवें दिस पिया। कहन लगे देख दिखाए जिहड़ा मैनू दिखा दिंदा है भी तेरे अंदर रहिंदा है तेरे अंदर रहिंदा है। सतगुरु ने बाणी अंदर एक थां ते नहीं बड़ी थावां ते बड़ा स्पष्ट आख्या। कहन लगे जिन्नू मैं खोजदा 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 रहा ओ मैनू मेरे गुरु ने मेरे अंदर ही दिखा दिता। घट घट देखिया तो उन्हें बाहर जाने की लोड़ नहीं किसी आसरे नू ये सोचन दी लोड़ नहीं। जे आज मेरा पुत्र मेरे कोल नहीं होवेगा तो मैं कल किवें करांगा नहीं वो तेरे कोल हमेशा होवेगा वो तेरे कोल हमेशा। बड़ी खूबसूरत गल किसी ने एग्जाम्पल वजो आखी। कहन लगे कोई जा रहा सी काबे नू मस्जिद नू रब दी ज़ियारत करन वास्ते ते किसी ने समझाने लिए उन्हें आखिया जदों उत्थे जाए तो उत्थों दे रब नू खुदावंद नू मेरी फतेह बुला दई। एकदम जाग पिया है उत्थों दा खुदा हो रहा है। जंगल जंगल क्या पवे वनकंडा मोड़े वसी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढ रहे हैं। सतगुरु ने बाणी में आख्या कहन लगे हौंड ढूंढेंदी सजना
अगले पासे कहते हैं सज्जन मैंडे नाल नानक अलख न लखिए, वो अलख है दिसदा नहीं पर होया कि गुरमुख दे दिखाल। गुरु जिहड़ा है वो दिखा दिंदा है, पावे समझा दिंदा है कि रब प्रभु तेरे नेड़े है, सब तो छेती तेनू पकड़न वाला मित्र, तेरे हर दुख सुख नू जानन ते पछाणन वाला मित्र वो है। इसलिए होर किसे दी आस रखनी उन्दी बजाय उस मालिक दू हमेशा चित विच रख, वो तेनू कदे नहीं विछोड़ेगा। यो गल बाणी विच सतगुरु समझांदे ने, अपना मीत स्वामी गाया, अपना मीत स्वामी गाया, आसना अवर कहूं की जाए, आसना अवर कहूं की जाए, सुख दाता प्रभ ध्याया, सुख दाता प्रभ ध्याया, अपना मीत स्वामी गाया, अपना गल स्पष्ट कर दिया। गुरु निराश नहीं करता, ना ही तेरी दुनिया तेरे कोलों खोना चाहता है। ये नहीं एक तू परिवार पुत्र पतिया बच्चियां नाल संबंध ना रखें ये सोच के कि ये मेरे नाल वो नहीं पकड़न। कहन लगे जे कोई लायक है तेरा कोई सेवा संभाल करदा है तेरे अपने ने ते सिर्फ उत्थे ये समझ गए दित्ते किन्ने ने, बस जिस दिन तू आ समझ लेंगा दित्ते किन्ने ने, फिर डाकिए दा नहीं जिहड़ा चिट्ठी फड़ा रहा है जिन्हें भेजी है उंदा बन जाएगा। बस आ फर्क है, संसार दे सुख भोग दुनिया विच रह संसार मित्र बना, जे कोई मित्र तेरा वफादार तेनू मिलदा है ते ए समझ के ए मेरा मित्र बनाया कि नहीं, इनू मेरा लायक पुत्र जे है तो ये पुत्र दिता किन्ने है। इसलिए बस जिस दिन असी इस सोच वाल चले जावांगे उदों की होएगा, सतगुरु ने इसलिए बाणी विच कहता गुरमुख हासे गुरमुख रोवे, जो गुरमुख करे साई भगत होवे वो सारी भगती हो जाएगी। इन्हें शब्दों नाल खिमां दा जा चिका फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।